हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मतलब मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है और ग्राफ के लिए आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो यूजिंग अ प्रोग्राम। तो नॉर्मली क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर मतलब ये है कि आपको कोडिंग तो उसके लिए लिखना पड़ेगा या तो यूजिंग सी और सी प्लस प्लस। तो सेम अगर ग्राफ को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कोई भी प्रोग्राम में, तो हाउ टू रिप्रेजेंट दैट, आपको ये तो आना चाहिए कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे पुट करना है। तो इसीलिए हम लोग को टू राइट अ प्रोग्राम और टू सॉल्व एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर द प्रोग्राम, यू शुड नो हाउ टू रिप्रेजेंट द ग्राफ। इसीलिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देर आर फोर टाइप ऑफ ऑप्शंस। तो पहले किस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो दो टाइप में डिवाइडेड है। वन है सीक्वेंशियल और मैट्रिक्स, और दूसरा है लिंक्ड लिस्ट। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है सीक्वेंशियल और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। फिर दूसरा है लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो फिर से हम लोग अभी देखेंगे कि सीक्वेंशियल और मैट्रिक्स में क्या होता है कि फर्स्ट टाइप इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स। नॉट टू टाइप, इट इज ऑफ थ्री टाइप, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड पाथ मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज अगेन ऑफ थ्री टाइप, वन इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है फर्स्ट वाला, दैट इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप। फर्स्ट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स, नेक्स्ट इज इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा तो रिप्रेजेंट द गिवन ग्राफ इन एडजेसेंसी मैट्रिक्स, आप उसमें कीजिए। लेकिन आपको बस बोलेगा कि रिप्रेजेंट द गिवन ग्राफ इन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो आप ये तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका टाइप। अभी हम लोग पहले देखेंगे।